हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पर बहुत स्वागत करता हूं और फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं। और यह वीडियो आपके बीकॉम सीबीसीएस फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस के रिगार्डिंग है, क्योंकि आपके सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर्स के एग्जामिनेशंस हो गए, अब आप नए सेमेस्टर्स में इंटर कर गए हैं, अब आपका सिलेबस आपका कोर्स चेंज हो रहा है। जो सेकेंड सेमेस्टर में स्टूडेंट थे वो थर्ड सेमेस्टर में चले गए और जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट थे वो फिफ्थ सेमेस्टर में चले गए। अब बच्चों का लगातार कमेंट्स आ रहा है कि सर फिफ्थ सेमेस्टर में क्या सिलेबस है उसके बारे में बताइए, क्या ऑप्शनल पेपर होंगे, क्या कंपल्सरी है, क्या माइनर है, इसके बारे में बात करिए। आज का मेरा वीडियो स्पेशली आपके फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस के रिगार्डिंग है। आइए, और अब इसके साथ साथ क्लासेस भी स्टार्ट होंगी और अब हम लोग इस बार ऑनलाइन क्लासेस को भी अच्छे से कवर करने जा रहे हैं और ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ आपको ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज मिलेगी। आप कहीं भी हो आपको क्लासेस ऑनलाइन कोचिंग के एप्लीकेशंस के थ्रू मिल जाएंगे। आइए एक बार देखते हैं क्या है, चीजों को बताते हैं आप। ये देखिए सिलेबस है और ये सिलेबस क्या है आप एक बार माइंड कर लीजिए। ये सिलेबस है आपका, ठीक है ना, और ये सिलेबस कौन सा है आप देखिए, ये बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर देख रहे हैं आप, ये फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस है आपका, ठीक है। और ये सीबीसीएस जो आपका कोर्स चल रहा है चॉइस बेस ग्रेड सिस्टम उसके रिगार्डिंग है और ये सिलेबस डीडीयू गोरखपुर इंस्टीट्यूट गोरखपुर का है, यानी दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। आइए अब बात करते हैं कि इस सिलेबस में क्या क्या है। आइए, आपको पता है कि जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में क्या चीजें मेन है, एक बार आप देखिए। ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर्स बीकॉम सीबीसीएस, फिर देखिए फिफ्थ सेमेस्टर की बात आई। जब आप सिलेबस में होते हैं तो आपको पता है जो सीबीसीएस नया आपका कोर्स आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 में, उसमें आपका जो स्ट्रीम है वो कॉमर्स है, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, और इसमें सबसे पहले आपका कोर कंपल्सरी है, यानी जो कॉमर्स स्ट्रीम के पेपर्स हैं उस पर कंपल्सरी पेपर्स, फिर इलेक्टिव पेपर्स हैं, कोर इलेक्टिव है, और उसके बाद माइनर के सब्जेक्ट्स हैं। तो आइए देखता हूं इसमें क्या क्या इस बार आपको पढ़ना है, उस सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। उस सब मैं यहां पे हाईलाइट कर चुका हूं आपको, एक बार आप इन चीजों को देखिए ध्यान से, कौन कौन से पेपर्स होने वाले हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। आइए, अब जो आपका पेपर्स हैं उस पेपर्स की बात करें, थोड़ा सा इसको नीचे साफ दिखाई दे आप, ये यहां, ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको मैं बड़ा भी कर दूं, ये है, ठीक है, चलिए। आपका इस बार जो कोड है वो 501 है, फिफ्थ सेमेस्टर 5 से स्टार्ट होगा और सबसे पहला पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, आप इसको कंपनी अकाउंट भी कह सकते हैं, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के दो पेपर आपके सिलेबस में, ये सब कंपल्सरी पेपर्स में आ रहे हैं हम लोग, कॉम 501 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसपे 3 क्रेडिट्स मिलने वाला है, वो एक कंपनी अकाउंट जहां आप पढ़े हैं, एक बार आप फिर से दिखाता हूं, 502 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर 2, ये दोनों पेपर आपके प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड है। एक कंपनी जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी स्पेशली यहां बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जब एक कंपनी फॉर्म होती है जो अपना बिजनेस शुरू करती है, तो कंपनी जब अपना बिजनेस करती है तो कंपनी में बहुत से फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं और वहां पे उन ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि कंपनीज में कॉर्पोरेट सेक्टर में जो अकाउंटिंग होती है वही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। आप इसमें 11, 12 में भी कुछ चीजें पढ़े होंगे, 12 में स्पेशली इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी, अमलगमेशन ऑफ कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, बहुत से चीजें हैं जो आप इसके बारे में जानते हैं। ये दो पेपर जो आपके सामने हैं ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है और ये प्योर प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स पेपर्स हैं, पूरे सिलेबस को बांटा गया है। और इस बार देखिए पहले पेपर पे 3 क्रेडिट्स मिलेगा आपको और दूसरे पेपर पे आपको 2 क्रेडिट्स मिलेगा आपको। फिर उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग, आप टैक्स पढ़ रहे हैं, आप फोर्थ सेमेस्टर में इनकम टैक्स पढ़े थे पेपर 1 पेपर 2, इस बार भी आप टैक्स पढ़ेंगे,
इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स था और इस बार आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, और आपको पता है ना इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में अब क्या है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपके सिलेबस में फोर्थ सेमेस्टर में डायरेक्ट टैक्स था इनकम टैक्स, इस बार इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी के नाम से। इस बार देखिए कॉम 503 गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी इसका मतलब क्या है, जीएसटी का मतलब है तीन क्रेडिट्स मिलेगा आपको, और ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड है कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उसमें भी कैसे कॉम्पिटिशंस होता है, कैसे टैक्स लगाया जाता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे क्या टैक्स रेट्स चल रहे हैं उस सब के बारे में, किस पे टैक्स नहीं लगता है, कौन से प्रोडक्ट्स जीएसटी में नहीं आते हैं, वो सब आपको यहाँ पढ़ना है। और ये आपका दो पेपर में है, 504 गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी जीएसटी का पेपर है आपका, इस पे दो क्रेडिट्स आपको मिलेगा, यानी कि दो पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के और दो पेपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी का है। इसके बाद अगर आप देखिए तो चार पेपर आपके हो गए फिफ्थ सेमेस्टर में, और ये चारों पेपर बहुत इंटरेस्टिंग है और प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स वाले पेपर हैं। अब इस बार आपके सिलेबस में एक नई चीज ऐड होगी और वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड सर्वे, और आपका जो पांचवा पेपर है वो पेपर स्पेशली जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए है। इसके लिए आप किसी कंपनीज की जो लोग ट्रेनिंग कराते हैं जिनका पूरा सिस्टम है, एक जैसे बच्चे इंटर्नशिप करते हैं उसी तरह आप किसी कंपनी में जाएंगे और वहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेंगे, सीखेंगे, वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, वहाँ पूरा आपका प्रोजेक्ट्स तैयार होगा और उस पे ये वो पेपर है। आइए ये देखिए 505 क्या है, मेजर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑब्लिक सर्वे। ये देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसके लिए कोई बुक्स नहीं है, इसके लिए कोई सिलेबस नहीं है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होती है। आपको ये पेपर पूरा एक जाकर के इंडस्ट्रीज में जो कंपनीज हैं वहां जाके उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग करना होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड कुछ भी हो सकता है, पूरी आपको पढ़ाई करनी है और इस पर आपको पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है, और ये चार क्रेडिट्स का है। अब तक बीकॉम के चार सेमेस्टर तक कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें चार क्रेडिट मिलता हो, ये पहला पेपर है जहां चार क्रेडिट्स है, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप पढ़ने जा रहे हैं सीखने जा रहे हैं, ये पूरा अलग है, जहां आप निकल के एक कंपनीज में एक इंडस्ट्रीज में जाकर के उन चीजों को आप सीखेंगे। ये आपका फिफ्थ पेपर है, और ये पेपर जितने हैं ये सब कोर कंपल्सरी वाले पेपर हैं, ये सब कंपल्सरी पार्ट्स हैं, ये सब कंपल्सरी पार्ट्स हैं, समझ रहे हैं आप, ये सब कंपल्सरी पार्ट्स हैं आपके। उसके बाद आप आते हैं कि अब आपको कंपल्सरी के अलावा कुछ ऑप्शनल पेपर भी कॉमर्स में हैं, यानी कि अभी आप कोर कंपल्सरी में थे, अब आप कोर ऑप्शंस में आ गए, इलेक्टिव्स में आ गए। अब मैं आपको आगे लेके आता हूं, यहां क्या मैं दिखाता हूं, ये देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये चीजें हैं, ठीक है, चल अब मैं दिखाता हूं इसमें क्या क्या चीजें हैं, इस पर एक बार आपसे बात कर लेते हैं, ये क्या है देखिए। आइए अब आपको इस सेमेस्टर में भी कॉमर्स से कुछ पेपर्स ऑप्शनल हैं, उसमें से कुछ लेना है कुछ नहीं लेना है, तो इस बार तीन ऑप्शनल ग्रुप्स हैं आपके, और उन तीन में से दो लेना है। अब तक आपको एक लेना था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तक एक दो में से एक आपको ऑप्शनल लेना था कोर सब्जेक्ट्स में कॉमर्स में। यहां आइए क्या लिखा, एनी टू ऑफ फॉलोइंग, यानी कि दो लेना है टू लेना है, एक ये हो गया एक ये हो गया एक ये हो गया, इनमें से कोई दो आपको लेना है। यहां मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप क्या लें, क्या आपके लिए बेटर होगा यहां ऑप्ट करना, इसकी बात भी आपसे हम करेंगे आगे थोड़ा सा मैं सोचूंगा, तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो भी लेके आऊंगा कि आप ऑप्शनल पेपर्स पे क्या पढ़ें जो आपके फ्यूचर के लिए आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो फ्यूचर करियर को फॉर्म करने में। आइए पहला ग्रुप इसमें, यानी तीन ग्रुप है और इन तीन में से दो लेना है, तो सबसे पहले 506 507, ये बिजनेस फिनांस है, पेपर वन और पेपर टू फिनांस के बारे में पढ़ेंगे। एक तरह से कह दूं तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है, कैसे फिनांस का मैनेजमेंट होता है, बहुत ही अच्छा पेपर है और बहुत कुछ सीखेंगे इस पेपर से आप। कॉमर्स में बहुत से सब्जेक्ट्स हैं लेकिन फिनांस का अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, तो एक सजेशंस मेरा है कि फिनांस को छोड़िएगा मत, अगर आप रियल में कुछ सीखना चाहते हैं तो कॉमर्स में, तो इस पेपर को ऑप्ट कर लेना है। इसमें दो पेपर हैं, बिजनेस फिनांस वन और बिजनेस फिनांस टू,
उसके बाद सेकंड है आपका 508 509, ये है इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस पेपर 1 पेपर 2। इस पेपर के लिए मैं आपको मना करूंगा। अगर आपको इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है, वहां अपना करियर बनाना है, तब तो आप पढ़ लीजिए। अदरवाइज मैं किसी बच्चों को इस पेपर के लिए रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। ये तभी आपके लिए बेनिफिशियल है जब आप इंश्योरेंस सेक्टर्स में जाने की बात करें, चाहे जनरल इंश्योरेंस में, चाहे लाइफ इंश्योरेंस में। और अगर आपका कहीं भी इंश्योरेंस सेक्टर में जाने का प्लान नहीं है, तो मैं इस ऑप्ट को, इस ग्रुप को लेने से मना करूंगा। ये 2 पेपर्स हैं इंश्योरेंस के, पेपर 1 पेपर 2, 3 और 2 क्रेडिट्स हैं, और मैं इस पूरे ग्रुप्स को मना करूंगा। फिर हम आते हैं तीसरा ग्रुप क्या है जिसको आपको ऑप्ट करना है, 510 511, मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। बहुत अच्छा पेपर है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मॉनेटरी सिस्टम क्या है इंडिया में, ठीक है, और बैंकिंग इन इंडिया, इंडिया बैंकिंग सिस्टम्स क्या है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बैंकिंग इंडिया में किस तरह होती है, किस तरह के बैंक्स हैं इंडिया में, कैसे बैंक्स फंक्शंस करते हैं, बैंक्स का क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं। तो मैं आपको इस पेपर के लिए रिकमेंड करूंगा, इसे मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया पेपर 1, मॉनेटरी थ्योरी बैंकिंग इन इंडिया पेपर 2, इस पेपर्स को मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इसको जान के, पढ़ के आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। एक तो इंडिया में मॉनेटरी थ्योरी क्या है वो जानना होगा, और इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स को आप समझ पाएंगे कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स क्या है। तो ये 3 ग्रुप्स जो आपको दिख रहा है, बिजनेस फिनांस, इंश्योरेंस और मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, इन तीनों में मैं आपको इस ग्रुप को और ये ग्रुप्स को मैं आपको क्या करूंगा, रेकमेंड करूंगा। और आपको यही 2 ग्रुप लेके आगे पढ़ना है, या आप बीच वाला इंश्योरेंस ग्रुप क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, इसको आप छोड़ देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, यानी कितने पेपर्स हो गए एक बार रिवीजन कर दें आपके साथ। हम लोग जो कोर कंपल्सरी में थे, तो 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, 2 GST और 1 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड सर्वे, मेजर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड सर्वे। उसके बाद ऑप्शनल में 3 ग्रुप्स हैं, 3 में से 2 ग्रुप्स आपको लेने हैं, 1 ग्रुप बिजनेस फिनांस, 1 इंश्योरेंस और 1 मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंक इन इंडिया। इनमें से इंश्योरेंस वाले ग्रुप को छोड़ना है और बिजनेस फिनांस और मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंक इन इंडिया को कवर करना है। इसके अलावा ये तो आपका हो गया, कोर सब्जेक्ट्स की बात चल रही थी। कोर सब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि जो आपके स्ट्रीम से रिलेटेड पेपर थे, कॉमर्स से रिलेटेड पेपर थे, इसको पढ़ लिया आपने। फिर इस बार माइनर ABC चलेगा। यहां जो माइनर्स के पेपर हैं वहां आपको लेके आ रहे हैं, तो देखिए माइनर सी है यहां पे, आप माइनर ये देखिए माइनर सी है और ये को करिकुलम है, इसमें से कोई एक पेपर ऑप्ट करना है 5th या 6th सेमेस्टर में, ठीक है। 5वें या 6वें में से किसी एक पेपर को ऑप्ट कर लेंगे आप, और ये पेपर्स आपके डिपार्टमेंट्स के नहीं है, ये पेपर दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं, साइंस आर्ट्स उन डिपार्टमेंट्स के हैं। तो इनमें से कोई एक पेपर जहां आपका इंटरेस्ट होगा आप ले सकते हैं। एक बार इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आप देखिए साइकोलॉजी और इंग्लिश में से, इंग्लिश डिपार्टमेंट से ये पेपर है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर है। फिजिकल एजुकेशन और फिलॉसफी में से फिजिकल एजुकेशन और योगा का पेपर है। कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पेपर है। सोशियोलॉजी और फिलॉसफी जूलॉजी में से ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर है। जूलॉजी और होम साइंस से आपका फॉस्ट एंड हेल का पेपर है। जूलॉजी होम साइंस से आपका NCC NSS और रोवर रेंजर्स का पेपर है। एथलीट एसोसिएशन से आपका स्पोर्ट्स का पेपर है। फाइन आर्ट्स और म्यूजिक और DSW से कल्चरल एक्टिविटीज का पेपर है। और होम साइंस डिपार्टमेंट से आपका जो है, होम साइंस डिपार्टमेंट से आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का पेपर है। तो ये जो आपके पेपर्स हैं ये माइनर हैं, इसमें जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट को आप देख लेंगे कि आपका इंटरेस्ट इनमें से किस पेपर्स पे है, उस पर आप काम कर सकते हैं। तो ये है हम लोग का 5th सेमेस्टर BCom CBCS 5th सेमेस्टर का सिलेबस। इसमें जो सजेशन देना था वो भी मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि आप कौन से ऑप्शन पेपर लेंगे, और इसमें आपको जो सही लगे उस पर आप काम कर सकते हैं। वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं डाउट्स हो तो जरूर बात करिएगा। आप कहेंगे तो ऑप्शनल पेपर फिर से एक बार एक नया वीडियो लेके आएंगे जिससे आपके और डाउट्स क्लियर होंगे। कुछ भी जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर बहुत जल्दी हम लोग नए इस सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, जो मैंने बताया है आपको, एक साथ कॉरपोरेट, GST,
बिजनेस फिनांस, मैं इनका सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा और थोड़ा सा उस सब्जेक्ट्स के थीम के बारे में आपसे बात करूंगा, जिससे आपको उस सब्जेक्ट्स का पूरा नॉलेज होगा। और इस बार हम लोग अपने इस बीकॉम सीबीसीएस के ऑनलाइन क्लासेस को भी लेके आ रहे हैं। आप जहां भी होंगे वहां से आप मेरे क्लासेस को कोचिंग एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आगे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कैसे आप ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं और आप क्लासेस को पढ़ के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अच्छे मार्क को जा सकते हैं। थैंक्स, बहुत जल्दी मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ।